धन्य हम है प्रमुख स्वामी, आपने अपना लिया है। उलझनों के घोर तम में हृदय दीप जला दिया। आज जब हम हजारों भक्त स्वामी श्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, तब मैं भी स्वामी जी के चरणों में, मेरे गुरु के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करने आया हूं। क्योंकि मेरा निश्चित रूप से यह मानना है कि आज मैं जो कुछ भी हूं, जिस मुकाम पे हूं, वो केवल और केवल परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की कृपा से हूं। प्रमुख स्वामी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी 95 साल की पूरी जिंदगी केवल दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों के चेहरे पे हंसी लाने के लिए कुर्बान कर दी। पेशे से मैं एक हास्य अभिनेता हूं और मेरे सालों के अनुभव से मैं ये कह सकता हूं कि पल दो पल के लिए किसी को हंसाना आसान है, लेकिन हमेशा के लिए किसी को हंसाना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने सानिध्य से लाखों लोगों को हमेशा हमेशा आनंदित किया है। उनमें से एक मैं भी हूं। मुझे आज भी याद है वो पल जब मैंने परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के पहली बार दर्शन किए। ये बात है करीब 1986-87 की। मेरे एक मित्र है नितिन भाई देसाई, जो कि BA PS के सत्संगी है। हम दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ा करते थे और वो हमेशा मुझसे कहते थे कि एक बार तुम दादर मंदिर आओ प्रमुख स्वामी जी के दर्शन करने। और मुझे भी उनके दर्शन करने थे, लेकिन पता नहीं हर बार किसी न किसी वजह से मैं उनके दर्शन कर नहीं पाता था। तो एक बार इसी तरह हम दोनों स्कूटर पे जा रहे थे। उन दिनों मेरे पास स्कूटर हुआ करता था। मैं स्कूटर चला रहा था, नितिन भाई पीछे बैठे थे और हम लोग मुंबई के हाजी अली इलाके से विले पार्ला की ओर जा रहे थे। और बातों बातों में नितिन भाई ने फिर से यही बात छेड़ी कि इन दिनों प्रमुख स्वामी महाराज दादर मंदिर में है, तुम दर्शन करने क्यों नहीं आते। और मैंने कहा कि नहीं, मुझे सच में उनके दर्शन करने हैं, दिल से मुझे उनके दर्शन करने हैं, लेकिन पता नहीं ये योग क्यों नहीं बन पा रहा। आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा, इसके बाद जो कुछ हुआ, जैसा ही मेरा ये वाक्य खत्म हुआ, मैं स्कूटर चला रहा था, पीछे नितिन भाई से मैं ऐसे मुड़ के बात कर रहा था कि मुझे दिल से उनके दर्शन करने हैं, लेकिन पता नहीं उनके दर्शन क्यों नहीं हो पा रहे। और मेरा जैसे ये वाक्य खत्म हुआ, हमारे बगल से एक गाड़ी गुजरी और उस गाड़ी की फ्रंट सीट पर परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज विराजमान थे। एक पल के लिए मुझे लगा कि मुझे कोई भ्रांति हो रही है, क्या ये सच है या, लेकिन वो सच था, वो भ्रांति नहीं थी। ये घटना मैं जब भी किसी को कहता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब मिलकर उनको दिल से याद कर रहे हैं। तो परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज यहां दिव्य रूप से जरूर हाजिर है। और प्रत्यक्ष रूप से तो है ही परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के रूप में। गुरुण अदा केम करिए, गुरु प्राण अमें पाथरिए, गुरु ऋण अदा केम करिए,
गुरु प्राण अमे पाथरी।